दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, आपका स्वागत है टेक्नो रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में मैं करूंगी कैमरा कंपैरिजन बिटवीन रियलमी 2 प्रो एंड मोटो 1 पावर। रियलमी 2 प्रो में पीछे की तरफ आपको मिलता है प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल की विद एपर्चर f/1.7 और सेकेंडरी सेंसर है 2 मेगापिक्सल की। आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल की विद एपर्चर f/2.0। मोटो 1 पावर में पीछे की तरफ आपको मिलता है प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल की विद f/1.8 एपर्चर और जो सेकेंडरी सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल की विद एपर्चर f/2.2। आपको मोटो 1 पावर में फ्रंट कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल की विद एपर्चर f/2.0। तो चलिए देख लेते हैं कैमरा बैटल इन दोनों फोन्स की। पर वीडियो में बनने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो यह है फर्स्ट क्लिप जो ली गई है फ्रॉम बैक कैमरा दोनों ही फोन से। और यहाँ पर आप देख सकते हो बैक कैमरा वीडियो फुटेज में आपको स्टेबिलाईजेशन मिलता है रियलमी 2 प्रो में, जो अभी तक हमें नहीं मिला है मोटो 1 पावर में। तो इसलिए इसकी जो फुटेज है वो बहुत ही शेकी है कम्पेयर टू रियलमी 2 प्रो। पर शायद हमें मोटो 1 पावर में मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक कैमरा स्टेबिलाईजेशन किसी फ्यूचर अपडेट में। तो दोनों ही फुटेजेस में काफी अच्छी लाइट कैप्चरिंग हुई है और इन दोनों वीडियोज में कलर्स भी काफी सेम है। अगर हम वीडियो के इस पार्ट पे पॉज करते हैं तो आपको दिख जाएगा इन वीडियो शार्पनेस। ये फुटेजेस मैंने ली है 1080p पर। आपको इन दोनों ही फोन्स में 4K रिकॉर्डिंग की फीचर मिल जाएगा। अभी है फ्रंट कैमरा वीडियो फुटेज और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो दोनों ही फोन्स की फ्रंट कैमरा वीडियो में आपको स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलेगा। मोटो 1 पावर की फुटेज स्लाइटली जूम्ड इन है और कंपैरेटिवली रियलमी 2 प्रो की जो फुटेज है वो थोड़ी सी जूम्ड आउट है। इसे छोड़कर कलर्स या फिर शार्पनेस में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब ये नेक्स्ट है ऑटोफोकस फुटेज दोनों ही फोन्स की और आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर ऑटोफोकस में आपको दोनों ही फोन्स में कोई लैग नहीं दिखेगा। बहुत ही क्विक ऑटोफोकस है दोनों ही फोन्स में और जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट बहुत ही जल्दी फोकस हो रहा है दोनों ही फोन्स से। और वीडियोस के बाद आते हैं फोटोज पे और यह है पहली फोटो जो मैंने ली है फ्रॉम बैक कैमरा विद HDR मोड ऑन। और इन दोनों फोटोज में वाइब्रेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप मोटो 1 पावर की फोटो को यहाँ पर देखते हो तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन है फोटो में, यहाँ पर ट्रीज की कलर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। एंड कम्पेरेटिवली जो रियलमी 2 प्रो की फोटो है वहाँ पर विद HDR मोड ऑन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है फोटो में। इस फोटो में जिन एरियाज पे शेडोज है वहाँ पर भी आपको डिटेलिंग दिख जाएगा। इक्वली स्काई की कलर आपको दोनों ही फोटोज में मोर ऑर लेस सेम दिख जाएगा। अगर आप जूम करके देखते तो आपको क्लियरली दिख जाएगा शार्पनेस इन दोनों फोटोज में। ये और एक शॉट है जो मैंने ली है विद HDR मोड ऑन एंड यहाँ पर भी डिफरेंसेस टोटली वैसा ही है। शेडोज पे वेल परफॉर्मेंस है दोनों ही फोटोज में, शार्पनेस भी आपको इक्वली मिल जाएगा एंड फिर से कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है रियलमी 2 प्रो की फोटो में। अब ये फोटो ली गई है फ्रॉम बैक कैमरा विद पोर्ट्रेट मोड ऑन एंड आपको बहुत ही एक वाइड एंगल फोटो मिलेगा मोटो 1 पावर से एंड रियलमी 2 प्रो की फोटो काफी जूम्ड इन है। इन दोनों फोटोज में आपको बहुत ज्यादा कलर डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट की कलर देखते हो या फिर बैकग्राउंड में जो ट्रीज है उसकी जो ग्रीन कलर है वो भी इन दोनों ही फोटोज में सेम है। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड ब्लर पे। तो रियलमी 2 प्रो में हमें एक फिक्स्ड बैकग्राउंड ब्लर मिलता है इन पोर्ट्रेट मोड पर, जो मोटो 1 पावर है उसमें बैकग्राउंड ब्लर एडजस्टेबल है। तो ये फोटो मैंने ली है विद 50% बैकग्राउंड ब्लर और अगर आप 100% पे सेट करते हो तो कुछ इस तरह की बैकग्राउंड ब्लर आपको मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड में ऑब्जेक्ट की एज डिटेक्शन दोनों ही फोटोज में परफेक्ट है। और फाइनली आते हैं शार्पनेस पे। तो दोनों ही फोटोज में ऑब्जेक्ट काफी शार्प है। ये एक दूसरी शॉट है जो मैंने फिर से लिया है विद बैक कैमरा पोर्ट्रेट मोड ऑन। ऑब्जेक्ट में कोई कलर डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों फोटोज में और ये फोटो मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि इसकी जो एज डिटेक्शन है वो बहुत ही ट्रिकी था। मोटो 1 पावर में अभी तक एज डिटेक्शन की एक प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पर मोटो 1 पावर में भी बहुत ही अच्छी एज डिटेक्शन हुई है। अब ये फोटो ली गई है फ्रॉम बैक कैमरा विदाउट पोर्ट्रेट मोड ऑन और दोनों ही फोटोज में आपको कोई भी कलर डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। रियलमी 2 प्रो की फोटो में थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है। ये फोटो है विद बैक कैमरा विदाउट पोर्ट्रेट मोड ऑन और ये फोटो मैंने ली है इन इंडोर लाइटिंग कंडीशन। और जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में बहुत ज्यादा लाइट है इन रियलमी 2 प्रो। मोटो 1 पावर की जो फोटो है वो बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रॉपरली विजिबल है, ऑब्जेक्ट में काफी लाइट है। नेक्स्ट आता है कलर्स पे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कलर डिफरेंसेस है। अगर आप मोटो 1 पावर की प्लांट की लीव्स को देखते हो तो बहुत ज्यादा डार्कर शेड ऑफ ग्रीन है एंड कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा वाइब्रेंसी नहीं है रियलमी 2 प्रो की फोटो में। अब नेक्स्ट ये फोटो ली गई है फ्रॉम बैक कैमरा विद पोर्ट्रेट मोड ऑन और आपको बहुत ही एक वाइड एंगल शॉट मिलता है मोटो 1 पावर से और कंपैरेटिवली रियलमी 2 प्रो की फोटो काफी जूम्ड इन है। दोनों ही फोटोस इक्वल पोजीशन से ली गई थी। इन दोनों फोटोज में बहुत ज्यादा कुछ कलर डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप शर्ट की कलर को देखते हो तो वहाँ पर आपको मोर ऑर लेस सेम ही कलर दिख जाएगा। बैकग्राउंड में ट्रीज की जो ग्रीन कलर है वो भी दोनों फोटोज में ही सेम है। पिक्चर में थोड़ी सी ज्यादा लाइट है रियलमी 2 प्रो की फोटो में और कंपैरेटिवली सब्जेक्ट में आपको कॉन्ट्रास्ट ज्यादा दिखेगा मोटो 1 पावर में। यहाँ पर मोटो 1
पार्ट की जो बैकग्राउंड ब्लर है वो 50% में मैंने सेट की थी। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर आप बैकग्राउंड ब्लर को इंक्रीज कर सकते हो। एज डिटेक्शन में काफी अच्छी परफॉर्म की है दोनों ही फोन्स ने, सिर्फ इस एरिया में थोड़ी सी एज डिटेक्शन मिस की है मोटो वन पार ने। अब नेक्स्ट ये फोटो ली गई है फ्रॉम बैक कैमरा विदाउट पोर्ट्रेट मोड ऑन, एंड फिर से इन दोनों फोटोज में आपको वैसा कोई कलर डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। सब्जेक्ट में शार्पनेस आपको दोनों ही फोन्स में इक्वल मिल जाएगा, लेकिन एक चीज जो है, Realme 2 Pro की फोटो में स्किन काफी आर्टिफिशियल है, कंपेयर टू दैट मोटो वन पार में स्किन नेचुरल है। नेक्स्ट ये है मैक्रो शॉट दोनों ही फोन से। जैसे कि आप देख सकते हो, फ्लावर की जो कलर है वो दोनों ही फोटोज में सेम है, और फाइनली दोनों ही फोटोज में फ्लावर फोकस में है एंड कम्प्लीटली शार्प है। अब ये है एक सेकंड मैक्रो शॉट। अगर आप शॉट ऑन लोगों को हटा देते हो फ्रॉम Realme 2 Pro, आपको पता नहीं चलेगा कि किस फोन से आपने कौन सी फोटो ली है, क्योंकि दोनों ही फोटोज काफी आइडेंटिकल है। कलर डिफरेंसेस आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इन दोनों फोटोज में, ऑब्जेक्ट में या फिर बैकग्राउंड में। वैसे थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट है Realme 2 Pro की फोटो में बैकग्राउंड ब्लर की अगर बात करें तो, इन मैक्रो शॉट्स दोनों ही फोटोज में आपको इक्वल बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। अब ये है सेल्फी विद पोर्ट्रेट मोड ऑन, और यहाँ पर दोनों फोटोज में कोई कलर डिफरेंसेस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बैकग्राउंड ब्लर पे, तो डेफिनेटली जो Realme 2 Pro है उसमें आपको स्लाइटली ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है इन फ्रंट पोर्ट्रेट शॉट्स। नेक्स्ट है एज डिटेक्शन, तो मोटो वन पार में इस एरिया में प्रॉपर एज डिटेक्शन नहीं है, दोनों ही फोटोज में आपको कॉन्ट्रास्ट दिख जाएगा। ये है सेल्फी विदाउट पोर्ट्रेट मोड ऑन, एंड यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा मोटो वन पार की फोटो में, और उसके साथ साथ फेस पे भी कॉन्ट्रास्ट है। Realme 2 Pro की फोटो में एक्सपोजर काफी ज्यादा है, और पीछे की तरफ जो है वो दोनों ही फोटोज में कम्प्लीटली वॉश्ड आउट है। फिर से इन दोनों फोटोज में कलर डिफरेंसेस नहीं है, और शार्पनेस आपको इक्वल मिलेगा दोनों ही फोटोज में। अब नेक्स्ट ये फोटो ली गई है फ्रॉम बैक कैमरा, एंड ये है 100% जूम्ड आउट फोटो। तो ऐसे देखने से आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा इन दोनों फोटोज में, दोनों ही फोटोज में कलर्स कम्प्लीटली सेम है। अगर आप यहाँ पर बिल्डिंग की कलर को देखते हो तो वो आपको इक्वल दिखेगा दोनों ही फोटोज में। स्काई की कलर में भी कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों फोटोज में, शेडोज में परफॉर्मेंस इक्वल है, दोनों ही फोटोज में आपको शार्पनेस दिखेगा। अब ये नेक्स्ट है 100% जूम्ड इन फोटो, और Realme 2 Pro में आप बहुत ज्यादा जूम कर सकते हो। अब बात करते हैं जूम करने पे शार्पनेस की, तो मोटो वन पार की जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा शार्प है, और Realme 2 Pro की फोटो में एक ऑयल पेंटेड इफेक्ट है। अब ये फोटो ली गई है फ्रॉम बैक कैमरा इन लो लाइट कंडीशन। दोनों ही फोटोज में लाइट कैप्चरिंग हुई है, लेकिन लो लाइट कंडीशन में मोटो वन पार की जो फोटो है उसमें आपको बहुत ज्यादा लाइट दिखेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्काई को देखते हो तो वहाँ पर अभी भी एक ब्लूइश टिंट आपको दिख जाएगा, जो कि नहीं है Realme 2 Pro की फोटो में। वहाँ पर स्काई में बहुत ही ज्यादा डार्कनेस है, दोनों ही फोटोज में स्ट्रीट लाइट वॉश्ड आउट है। कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत ज्यादा दिखेगा इन लो लाइट कंडीशन Realme 2 Pro की फोटो में, और इन दोनों फोटोज में स्लाइट कलर डिफरेंसेस भी है। इन लो लाइट कंडीशन शेडोज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है मोटो वन पार की। अगर आप इस एरिया पे जूम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग दिख जाएगा मोटो वन पार की फोटो में कम्पेयर टू Realme 2 Pro। इस एरिया पे भी मोटो वन पार में आपको कोई शेडो नहीं दिखेगा, पिक्चर काफी वेल लिट है, और आखिर में इन लो लाइट कंडीशन शार्पनेस आपको दोनों ही फोटोज में इक्वल मिलेगा। अब यह है सेल्फी इन लो लाइट कंडीशन विदाउट पोर्ट्रेट मोड ऑन, और दोनों ही फोटोज में सब्जेक्ट काफी वेल लिट है। जो Realme 2 Pro की फोटो है उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड भी काफी वेल लिट है, लेकिन मोटो वन पार में सब्जेक्ट में काफी लाइट है लेकिन बैकग्राउंड काफी डार्क है। लो लाइट सेल्फी में शार्पनेस आपको दोनों ही फोन्स में मिलेगा। अब यह है सेल्फी इन लो लाइट कंडीशन विद फ्रंट फ्लैश ऑन, और Realme 2 Pro में फोटो को देख के ही पता चलता है कि फ्लैश काफी अननेसेसरी था। फ्लैश ऑन होने से फेस में काफी ज्यादा लाइट है, एंड फेस काफी वॉश्ड आउट दिख रहा है यहाँ पे। कंपैरेटिवली मोटो वन पार की जो फोटो है उसमें लाइट काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड हुई है। मोटो वन पार की जो सेल्फीज है उसमें अगर आप फ्रंट फ्लैश को ऑन करते हो इन लो लाइट कंडीशन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा फोटोज में। और अगर इन लो लाइट कंडीशन आप Realme 2 Pro से कोई फोटो लेना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली फ्रंट फ्लैश को ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन इन वेरी लो लाइट कंडीशन फोटो में काफी अच्छी लाइट होती है इवन विदाउट फ्रंट फ्लैश ऑन। अब ये फोटो ली गई है फ्रॉम बैक कैमरा इन लो लाइट कंडीशन, और दोनों ही फोटोज में बैकग्राउंड कम्प्लीटली डार्क है, पर यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्ट है दोनों ही फोटोज में वो अच्छी तरीके से विजिबल है। कलर डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा कुछ इन दोनों फोटोज में नहीं है। फाइनली आपको थोड़ी सी बेटर शार्पनेस मिलता है फ्रॉम Realme 2 Pro इन लो लाइट कंडीशन। अब यह है लास्ट फोटो जो मैंने ली है फ्रॉम बैक कैमरा इन लो लाइट कंडीशन विद बैक फ्लैश ऑन, और दोनों ही फोटोज में जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली डार्क है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो लाइट कैप्चरिंग बहुत ज्यादा हुई है इन मोटो वन पार। आप देख भी सकते हो बहुत ज्यादा लाइट है ऑब्जेक्ट में, और कंपैरेटिवली इवन विद बैक फ्लैश ऑन जो Realme 2 Pro की फोटो है उसमें मेन ऑब्जेक्ट में उतनी अच्छी लाइट कैप्चरिंग नहीं हुई है। और लास्टली इन दोनों फोटोज में शार्पनेस सेम है। और दोस्तों ये था कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Realme 2 Pro एंड मोटो वन पावर। तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है किस फोन की कैमरा है बेटा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।